हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस तरह सोना चाहिए। फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको सोना चाहिए जिससे कि आपकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े, साथ ही आपके बच्चे के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। गर्भावस्था के दौरान पीठ के बल या पेट के बल लेटना माँ और शिशु दोनों के लिए ही सुरक्षित नहीं होता है। यहाँ हम लेटने की कुछ स्थितियों के बारे में बात करने वाले हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में आपको किस तरह से सोना चाहिए। फ्रेंड्स, पेट या कमर के बल लेटने से बेहतर है कि आप करवट लेकर सोएं। डॉक्टर के अनुसार सबसे जो बेहतर स्थिति होती है, सबसे जो बेहतर मुद्रा होती है, वो होती है बाई करवट लेटकर सोना। दाई तरफ सोने से आपका जो गर्भाशय है उसका भार लीवर पर पड़ता है। बाई ओर लेटने से शिशु में प्लेसेंटा के जरिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते रहते हैं। रक्त का प्रवाह भी काफ़ी सामान्य रहता है, जो माँ और शिशु दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। इस तरह से यदि आप बाई करवट लेटकर सोती हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर स्थिति होती है। बेशक एक तरफ लंबे समय तक सोना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आप बीच बीच में दाईं तरफ करवट लेकर सो सकती हैं, लेकिन आप ये ज़्यादा देर ना करें। कोशिश करें कि ज़्यादा देर आप बाईं करवट ही लेट कर सोएं। साथ ही घुटनों को मोड़ कर यदि आप सोती हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। घुटनों के बीच में आप चाहें तो एक तकिया रख कर सो सकती हैं, ये और भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर आप पीठ के बल लेटना चाहती हैं तो आधे बैठने की मुद्रा में ही लेटें, यानी कमर से ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर तकिया रख कर आप लेट सकती हैं। इससे सीने में जलन की समस्या से बचा जा सकता है। ध्यान रहे कि गर्भावस्था की पहली तिमाही ऐसी होती है जिसमें आप बाई करवट लेटने की आदत डाल सकती हैं। यदि आप इस दौरान बाई करवट लेटने की आदत डालती हैं तो ये आपके पूरे गर्भावस्था के दौरान काफ़ी लाभदायक होगा। इससे आपका पेट भी काफ़ी ठीक रहेगा और आपका जो खाने का पाचन है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से नहीं सोना चाहिए, यानी कि किस स्थिति में आपको सोना से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आप पीठ के बल लेट सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा ना करें क्योंकि फिर आपकी आदत वैसे ही बनी रहेगी। इसलिए करवट लेकर सोने की आदत डालें। पीठ के बल ज़्यादा देर लेटने से गर्भाशय पर दबाव पड़ता है। पीठ की जो मांसपेशियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं और नालियाँ होती हैं, उस पर काफ़ी दबाव पड़ता है। इससे आपके जो शिशु का रक्त संचार है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। इससे मांसपेशियों में दर्द व सूजन भी आ सकती है, रक्तचाप भी कम होने की समस्या बन सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि आप सोती हैं तो आपका जो सोने का तरीका है वो काफ़ी बदल जाता है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान यदि आप बाईं करवट लेटकर सोती हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति कहलाती है। आप दोनों पैरों को मोड़कर, घुटनों से मोड़कर सोइए। साथ ही अगर आप चाहें तो तकिए का प्रयोग कर सकती हैं, एक तकिया को बीच में रख लीजिए, ये सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।